एक बार की बात है, एक गांव में एक व्यक्ति था जिसे शराब पीने की बहुत बुरी आदत थी और शराब पीने के बाद वो अपनी पत्नी और अपने बच्चों को बहुत मारता पीटता था। उसके शराब पीने की आदत के कारण उसके घर में रोज लड़ाई झगड़े होते थे। घर में कभी भी शांति का माहौल नहीं होता था। उसकी शराब पीने की आदत ने उस व्यक्ति को आर्थिक रूप से बर्बाद कर दिया था। गाँव का कोई भी व्यक्ति उस शराबी इंसान को पसंद नहीं करता था और ना ही उससे ज़्यादा बात करता था। लेकिन उस शराबी के अंदर भी एक अच्छी बात थी। वो रोज़ एक साधु को भोजन जरूर करवाता था। वो साधु भोजन करने के बाद ये कहते हुए वहाँ से चला जाता था कि आप जो बुरा करते हो वो आपके साथ रहता है और जो आप अच्छे काम करते हो वो आपके पास वापस लौट के जरूर आता है। यही सिलसिला काफी लंबे समय तक चलता रहा। वो शराबी व्यक्ति खुद चाहे जैसी भी हालत में हो लेकिन उस साधु को खाना खिलाना नहीं भूलता था। एक दिन बहुत ज्यादा शराब पीने के कारण वो शराबी व्यक्ति बीमार पड़ जाता है। वो शराबी व्यक्ति अपने घर में कमाने वाला अकेला इंसान था और उसके बीमार पड़ने के कारण उसके घर की आर्थिक स्थिति बहुत ज्यादा खराब हो गई। घर की स्थिति इतनी खराब हो गई कि अब खाने के लिए भी उनके पास कुछ नहीं बचा था। उधर उस शराबी व्यक्ति को उस साधु ने काफी दिनों से नहीं देखा था, जिसके कारण एक दिन वो उसे खोजते खोजते उसके घर पहुंच जाता है। साधु ने उसके घर पहुंचकर देखा कि उस व्यक्ति की हालत बहुत ही गंभीर थी, इतनी गंभीर कि वो अपने बिस्तर से उठ भी नहीं पा रहा था। साधु ने उस व्यक्ति को देखते ही फिर वही शब्द दोहराए कि आप जो बुरा करते हो वो आपके साथ रहता है और जो आप अच्छा काम करते हो वो आपके पास वापस लौट के जरूर आता है। आखिरकार शराबी व्यक्ति ने पूछ ही लिया कि हे महात्मा, इसका क्या अर्थ है जो आप मुझसे हमेशा यही बात कहते हो? साधु बोले, आज जो तुम इस स्थिति में बीमार पड़े हो कि तुमसे उठा भी नहीं जा रहा है, ये तुम्हारे द्वारा किए गए बुरे कर्मों का फल है। और इतने बीमार होने के बावजूद भी तुम अभी तक जीवित हो, ये तुम्हारे द्वारा किए गए अच्छे कर्मों का फल है। ना जाने तुमने मुझ जैसे और कितने साधुओं को रोज खाना खिलाया है, रोज उनको भोजन करवाया है, और यही कारण है कि तुम अभी भी जीवित हो और अभी भी समय हाथ से निकला नहीं है। तुम अभी भी शराब पीना छोड़कर एक अच्छे कर्म योगी व्यक्ति की तरह अपना जीवन शुरू कर सकते हो। वरना वही होगा जो मैं हमेशा कहता हूँ कि आप जो बुरा करते हो वो आपके साथ रहता है और जो आप अच्छा करते हो वो आपके पास वापस लौट के जरूर आता है। साधु की ये कठोर बातें सुन उस शराबी व्यक्ति को भी ये समझ में आ जाता है और वो उसी समय निश्चय करता है कि अब वो कभी भी शराब को हाथ नहीं लगाएगा और ना ही कभी अपनी पत्नी और अपने बच्चों को शराब पीकर मारेगा और उन पे हाथ उठाएगा। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि हमेशा अच्छे कर्म करो और अच्छे कर्म करना कभी बंद मत करो। भले ही उस समय उस कर्म की सराहना ना की जा रही हो, लेकिन फिर भी अपने कामों को करना मत छोड़ो और कभी भी किसी के संगत में आकर या खुद से किसी भी प्रकार का नशा मत करो।